अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो स्पेशली नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फ़र्स्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो आज स्कूल में था इंस्ट्रक्शंस डे, जहां जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ सब्जेक्ट टीचर्स ने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बहुत डिटेल से समझाया सब कुछ, और जिसको सर ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। बट फारूकी स्कूल्स के बेहतरीन रिज़ल्ट के पीछे सिर्फ असातिज़ा का हार्ड वर्क ही नहीं, बल्कि सर समीर मैम और स्पेशली सर आसिम फारूकी की बताई हुई गाइडलाइंस और टेक्निक्स हैं। और इसके साथ साथ ना कुछ ख़ास करम है अल्लाह पाक का इस इंस्टीट्यूशन पे, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कंप्लीट वीडियो तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे ख़ुद भी इंस्ट्रक्शंस देना थी, पर जो थोड़ा बहुत मैं कवर कर पाई हूँ, तो आपने उन बातों को केयरफुली ना सिर्फ सुनना है बल्कि उनको ओबे भी करना है। और अल्लाह पाक आप सबको और हमारे अदारे को बेमिसाल कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। और जो उनका जज्बा मुझे नज़र आ रहा था, मुझे ये लग रहा था कि जैसे इनका बस नहीं चल रहा कि पेपर के दौरान आपके साथ बैठे हैं, यानी जिस हद तक वो आपको डिटेल्स से समझा रही थी कि अगर फिगर बनानी है तो कहाँ उसकी हेडिंग कहाँ लिखनी है, जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, डायग्राम, लेबलिंग, फिर क्वेश्चन में किस तरह से कंटेंट का आपने अंदाज़ा लगाना है कि कितना वक्त हो तो किस तरह की इंफॉर्मेशन लिखनी है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मार्क्स लेके देगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि माशाल्लाह आपकी टीचर्स जो हैं इतनी तफसील से सोचती हैं कि आपकी मुमकिना जो गलतियाँ हैं वो क्या हो सकती हैं, पॉसिबली आपके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, आपकी गलत फहमियाँ क्या हो सकती हैं, यानी इससे पहले कि आपसे कोई गलती हो वो इस हद तक सोचती हैं कि कोई गलत फहमी अगर आपकी हो सकती है तो उसको अभी से आपको बता दिया जाए। तो मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि आपने यकीनन अपने तमाम सब्जेक्ट टीचर्स से ये बातें तवज्जो से सुनी होंगी। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि अभी जो आपने इंस्ट्रक्शन सुनी और जो आपने नोट की, इसके हवाले से मजीद मुमकिन है कि जब सब्जेक्ट की बारी आए और उस सब्जेक्ट का पेपर हो तो मजीद कोई सवाल आपके जहन में आए, जो सवाल जहन में आए अपनी टीचर से पूछ जरूर लेना। आप जहन में ये रखिए कि आपका यकीनन ये पहला तजर्बा है, हर बच्चे के साथ ऐसा ही होता है कि जब 9th-10th में पहुंचते हैं, आपके जो असातिज़ा हैं ये आप जैसे कई बच्चों को इस मरहले से गुजार चुके हैं, इनको हमें एग्जैक्टली पता है कि पॉसिबल क्या होता है, किस तरह की गलतियाँ या गलत फहमियाँ बच्चों के जहनों में होती हैं। और जो बच्चे पेपर देने के बाद वापस आकर बताते हैं कि हमारा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जामिनेशन सेंटर में, उसकी रोशनी में भी फिर हमने कुछ चीज़ें तय की होती हैं जो हम आपको पहले से बता देते हैं। अब मुझे यकीन है कि ऐसी बातें अब तक आपकी टीचर्स बता चुकी होंगी पिछले सालों में कि जिनको अपने कंडक्ट की वजह से, स्पेशली मैं बॉयज़ के सेंटर्स में ये बताऊं कि मेरे बच्चों आपने जब जाना है अपने सेंटर्स में, गर्ल्स के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि आप बच्चों का यहाँ स्कूल में रहते हुए एक ख़ास मिजाज बना होता है, खास तरह के मैनर्स, खास तरह का डिसिप्लिन आपको बार बार बताया जाता है कि आपने ऑब्जर्व करना है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप जाएंगे बाहर किसी और सेंटर में, हर तरह के बच्चे वहाँ पर होंगे। जहन में ये रखिए कि जो कोई 2.5-3 लाख बच्चे लाहौर बोर्ड में अपीयर होते हैं, अगर आप हर साल इनमें कामयाबी का तनासुब देखें कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु एक्चुअली गेट सक्सेसफुल, हु एक्चुअली गेट ग्रेट मार्क्स, उनकी तादाद कम होती है। तो जहन में रखें कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बाकायदा बामकसद अंदाज में पेपर्स की तैयारी की होती है, जिन्होंने मार्क्स ऐसे लेने होते हैं जिससे वाकई कैरियर बने, आगे अच्छे कॉलेजेस में अच्छी डिग्रीज को परस्यू कर सकें, अच्छे प्रोफेशनल कैरियर को परस्यू कर सकें, उनकी तादाद हमेशा कम होती है। तो याद रखिए कि आपको सेंटर्स में भी वही रिफ्लेक्शन नजर आएगा, सेंटर्स में भी ऐसे होगा कि ऐसे बच्चे आपको कम नजर आएंगे जो संजीदा, डिसेंट, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड हों। ज्यादातर ऐसे होंगे जो शोर मचाने वाले होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने माशरे में एक हजूम की सूरत में आकर गुजर जाना होता है, जिन्होंने बड़े बड़े कोई काम नहीं करने होते, कामयाबी बड़ी हासिल नहीं करनी होती। तो ऐसा ना हो कि उनको देखकर आपके अपने जो डिसिप्लिन के स्टैंडर्ड्स हैं वो नीचे आए।
मेरी बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जब आप जाएं सेंटर में, हो सकता है कोई ग्रुप बच्चों का ऐसा हो जो ऊंची ऊंची आवाज में कह के भी लगा रहे हों, हाथ पे हाथ मार रहे हों, उनकी लैंग्वेज फूल हो, लैंग्वेज अच्छी ना हो, आपने उनको देख के उनके रंग में नहीं रंगना। आपने जहन में रखना है कि आप जिस मकसद के लिए आए उस मकसद के ऊपर आप एक तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। एक दफा जहन में ये सारा का सारा दोहरा लें सिलसिला कि किस उम्र में आप कब आए स्कूल में, आपको इस स्टेप पर पहुंचाने के लिए आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, आपके असातजा, आपका स्कूल, उसका क्या रोल है। आज हमने जो एहतमाम इस बात का किया हुआ है, ये क्यों किया हुआ है, किसी स्कूल में ऐसे नहीं होता कि आपको इस मरले के ऊपर आके इतनी तफसीली इंस्ट्रक्शंस दी जाए। सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस का मकसद एक है कि आप कीमती हैं, आपका एक एक पेपर कीमती है, आपका एग्जामिनेशन और उसका रिजल्ट कीमती है, इसकी बुनियाद के ऊपर बड़े बड़े फैसले होंगे। याद रखिए, इस पेपर और इस रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर बड़े बड़े फैसले होने हैं। आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कैरियर, ऐसे कई इम्तिहानात होते हैं। सिविल सर्विसेज में ऐसे इम्तिहानात होते हैं, जैसे लोग जो पीसीएस करते हैं, जो लोग सीएसएस करते हैं, शायद आपके इल्म में ये बात अभी ना हो कि जब उनका मेरिट बनता है तो उसमें जो कैटेगरीज जिसमें मार्क्स दिए जाते हैं, आगाज मैट्रिक के नंबरों से होता है। मैट्रिक के नंबर्स में कौन सी ग्रेड या डिवीजन थी उसके मार्क्स अलग होते हैं, फर्स्ट डिवीजन के अलग, सेकंड के अलग, थर्ड के अलग। तो इसलिए अगर आप इसमें मार्क्स अच्छे लेते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज, आपकी ऑप्शंस बढ़ती हैं। तो मेरे बच्चों, उन ऑप्शंस के लिए, उन पॉसिबिलिटीज के लिए काम करना होगा।